दोस्तों, रूस अब भारत को एक ऐसा आधुनिक फाइटर जेट बेचने की तैयारी कर रहा है जिसे वह पहले चीन को बेच सकता है। यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट SU-57 को चीन के झुहाई एयर शो 2024 में प्रदर्शित किया है। इस शो में चीन के रक्षा विशेषज्ञ इस फाइटर जेट का निरीक्षण कर रहे हैं और इसे खरीदने के लिए रूस और चीन के बीच एक बड़ी डील हो सकती है। हालांकि रूस ने इस जेट को भारत को भी ऑफर किया है और यहीं पर स्थिति चौड़ी पेचीदा हो जाती है। रूस, जो भारत का सबसे पुराना और अहम रक्षा साझेदार है, उसने प्रस्ताव रखा है कि यदि भारत SU-57 को खरीदता है तो इसका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इससे भारतीय इंजीनियर्स को एक नई तकनीकी जानकारी होगी जिससे भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन समस्या यह है कि अगर चीन इस फाइटर जेट को पहले खरीद लेता है तो भारत के लिए कठिनाई हो सकती है। चीन इस जेट के बारे में हर जानकारी प्राप्त कर लेगा, जैसे कि इसकी ताकत, कमजोरियां, रेंज और इसमें किए गए संशोधन। इसे भविष्य में किसी भी टकराव के दौरान भारत को रणनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। SU-57 की बात करें तो यह रूस का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 65 फीट, ऊंचाई 15 फीट और अधिकतम स्पीड 2135 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर है और यह लगभग 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन लगी है जो प्रति मिनट 1500 से 1800 राउंड फायर कर सकती है। इसके अलावा इसमें 12 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिनमें मिसाइल्स, रॉकेट्स और बम शामिल हैं। भविष्य में 2025 में भारत में होने वाले एयर शो में भी इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। रूस ने साफ किया है कि अगर भारत इस डील को स्वीकार करता है तो वह इसका प्रोडक्शन भारत में ही शुरू कर देगा, जिसे भारत रक्षा तकनीक और मजबूत हो जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। अगर चीन इसे खरीद लेता है तो भारत को राजनीतिक रूप से चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपकी राय में भारत सरकार को क्या करना चाहिए, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।